गाइस वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूँ योशु और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ लविंग इट और नॉट लविंग इट का सीजन 2। वेल, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो मैं बता देती हूँ कि मैं आपके लिए इस सेगमेंट में क्या करने जा रही हूँ। मैं ये करूँगी कि मैं लेटेस्ट सेलिब्रिटी शूट्स, इवेंट्स, एयरपोर्ट लुक्स या जिम लुक्स की फोटोज आपको दिखाऊंगी और उनके लुक्स को डिस्क्राइब करूंगी। ये लुक्स द मोस्ट वायरल एंड सर्च लुक्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेगमेंट। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सोनम कपूर आहूजा। वेल, सोनम कपूर बहुत सारे फोटोशूट्स करते नजर आती हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में, और हाल ही में उन्होंने इस लुक में एक बहुत अमेजिंग फोटोशूट कराया। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये मजेंटा रेडिश कलर का ड्रेस है एंड द नेक इफ यू टॉक अबाउट इज ऑफ स्क्वायर नेक। साथ ही बलून स्लीव्स भी हैं जो कि बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं पूरे लुक को। और इस पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एमरल्ड कलर की ज्वेलरी, यानी यू नो एमरल्ड ग्रीन कलर का नेकलेस पहना है जो कि काफ़ी यू नो हॉलीवुड ग्लैम लुक दे रहा है, ओल्ड हॉलीवुड ग्लैम लुक दे रहा है। साथ में उन्होंने एक रिंग पहना है, ओके, इयररिंग्स नहीं लगाए हैं बिकॉज यू नो नेकलेस बहुत हैवी है तो इसलिए उन्होंने इयररिंग्स नहीं लगाए हैं, जो कि बहुत जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेल, कलर की बात करें तो कलर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत पॉप आउट हो रहा है एंड उसके साथ ग्रीन जो बिल्कुल अलग कलर है उसके साथ जो मिक्स एंड मैच किया गया वो भी बहुत अच्छा है। सोनम कपूर के ओवरऑल लुक की बात करें तो वो काफ़ी एलिगेंट और क्लासी लग रही हैं, जो कि एक नई बात नहीं है। हेयर की बात करें तो उन्होंने इस लुक में अपना हेयर ओपन रखा है, थोड़ा मेसी एंड कर्ली रखा है एंड द मेकअप इज़ लाइक रेड लिप एंड नेचुरल सॉफ्ट मेकअप। ओवरऑल लुक मुझे सोनम का बहुत अच्छा लगा, क्लासी लगा, सो दैट्स वाई इस ओवरऑल लुक को आई विल गिव अ थम्स अप, यानी आई एम गोना लव दिस लुक। सो नेक्स्ट हमारे इस लिस्ट में है नन अदर देन कैटरीना कैफ। वेल, हम सबको पता है कि कैटरीना कैफ का मच अवेटेड मूवी का ट्रेलर सूर्यवंशी कल आउट हुआ। सो इस ट्रेलर के लॉन्च में कैटरीना को कुछ धमाकेदार तो पहनना ही था, बट एज इट वॉज अ डे इवेंट कैटरीना ने सहारा लिया एक अमेजिंग सिंपल लुक का जिसमें वो इतनी फैब्यूलेस लगी। वेल, जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैटरीना ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना विद द यू नो स्वीट हार्ट नेक एंड विद दिस थिक बॉर्डर्स। उनके पूरे ड्रेस में काफ़ी क्रीसेस हैं जो कि एक साथ काफ़ी सिमेट्रिकल और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे लग रहे हैं एंड यू नो बिकॉज इट वॉज अ डे लुक तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ज्वेलरीज का इस्तेमाल नहीं किया, एक्सेसरीज नहीं लिए, जस्ट ओल्ड फैशन हूप इयररिंग्स का इस्तेमाल किया जो कि इस पूरे लुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। एज अगेन आई एम सेइंग इट वॉज अ डे लुक, सो ऑब्वियसली थोड़ा लाइट रखना था, थोड़ा सिंपल रखना था। वो कलर जो है कैटरीना का ऑरेंज कलर, उसमें वो इतनी अमेजिंग लग रही हैं कि वो पिक्स जैसे ही इंटरनेट पर आई वैसे ही वायरल हो गए। सो या यू नो द ओवरऑल लुक इज लुकिंग रियली गुड एंड येस इफ यू टॉक अबाउट द फुटवेयर तो उन्होंने स्ट्रैपी न्यूड हील्स का इस्तेमाल किया एंड यू नो दैट न्यूड हील्स दे वर्क विद एनी आउटफिट। सो या द ओवरऑल लुक वॉज लाइक रियली अमेजिंग फॉर अ डे इवेंट एंड कैटरीना यू डिड अमेजिंग एज ऑलवेज। सो फॉर दिस लुक ऑल्सो आई विल बी loving it. So next we're going to talk about Angrezi medium ki star yani Radhika Madan. So Radhika Madan ka recently ye look samne aaya jisme hum unko black polka dot dress mein dekh sakte hain with white polka dots. So ye jo pura dress hai wo kafi you know fun loving a cheerleader kind of a dress hai एंड वहीं राधिका ने इस ड्रेस को और यू नो उसमें उम्फ डालने के लिए एक पॉप ऑफ कलर यूज़ किया है अपने इयररिंग्स में। शी हैज़ यूज्ड पिंक, हॉट पिंक इयररिंग्स जो उनके पूरे लुक को काफ़ी स्टैंड आउट कर रहा है एज उनका मेकअप जो है वो काफ़ी मिनिमल है। सो यू नो उनका जो इयररिंग है उस लुक को यहाँ से यहाँ ला देता है। साथ ही उन्होंने हॉट पिंक कलर के द सेम कलर एज हर इयररिंग्स उस कलर के पम्प्स भी पहने जो इस ओवरऑल लुक को कम्प्लीट करता है। यू नो वॉट, मुझे ये लुक इतना अच्छा भी नहीं लगा लेकिन इतना गंदा भी नहीं लगा, सो आई डोंट नो वेदर आई शुड लव इट और नॉट लव इट। आई एम एक्चुअली समवेयर इन द मिडल ऑफ इट, बट यू टेल मी हाउ डिड यू लाइक दिस लुक। सो नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट नन अदर देन मलाइका अरोड़ा। वेल, मलाइका जो है वो एक स्टाइल आइकन बन चुकी है क्योंकि आए दिन उनके यू नो ग्लैम लुक्स में फोटोशूट्स आते रहते हैं
एंड इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव एक्चुअली, यू नो, बिकॉज वो इतनी अपने, एक्चुअली शी इज 46 एंड द वे शी हैज मेंटेन्ड हर फिगर इज जस्ट एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. तो हम उनके रीसेंट लुक की बात करते हैं. सो वेल, वी कैन सी कि मलाइका ने येल्लो कलर का फ्लोई गाउन पहना है. वेल, शी वोर दिस टू अ इवेंट जो मिस डीवा का इवेंट हुआ था रिसेंटली, द पैजेंट दैट हैपेंड, एंड वहाँ पे मलाइका ने ये आउटफिट पहना. वेल, अगर इस आउटफिट की बात करें तो द कलर आई डोंट लाइक दैट मच, बिकॉज यू नो फॉर अ नाइट इवेंट येलो कलर इज नॉट दैट गुड ऑफ अ ऑप्शन. एंड ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा. वी कैन सी कि यू नो एक शोल्डर जो है काफ़ी एग्जैजरेटेड है, एंड द वन शोल्डर एग्जैजरेशन जो है काफ़ी लाउड लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि दिस इज़ अ यू नो सॉर्ट ऑफ अ बिग इवेंट. बट वहीं कलर मुझे इतना खास नहीं लगा. वहीं जो मटेरियल है ड्रेस का वो काफ़ी फ्लोई है, तो यू नो काफ़ी बीची वाइब्स दे रहा है. ऐसा लग रहा है बीच का कोई ड्रेस होगा. जस्ट बिकॉज ऑफ द शोल्डर इट्स लुकिंग कि हाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैम इवेंट है. अदरवाइज बिकॉज ऑफ द फ्लोइनेस ऑफ द ड्रेस जो नीचे ट्रेल बन रही है वो बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यू नो इट्स अ काइंड ऑफ अ बीच ड्रेस. सो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा अकॉर्डिंग टू द इवेंट शी वेंट. अदरवाइज ऑब्वियसली शी लुक्स अमेजिंग, शी लुक्स हॉट, शी लुक्स superb, and the makeup is also amazing, hairdo is also good. आजकल सब अपने बाल खुले रख रहे हैं हर लुक में, which is क्योंकि अभी तक जितने भी लुक्स की हमने बात करी सब ने अपने बाल खुले ही रखे थे and they are looking spectacular. So yeah, मलाइका के लिए just because कि उसने इस event पे ऐसा flowy dress पहना जो कि beachy vibes दे रहा है, I'm gonna say I'm not loving this look, मलाइका, but you are spectacular in all sense. सो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बर्थडे गर्ल यानी श्रद्धा कपूर की. श्रद्धा कपूर का आज बर्थडे है और उनको इस सेगमेंट में लाना ही था. वेल, रिसेंटली हमने श्रद्धा को दुबई में देखा एक प्रमोशनल इवेंट के लिए, और वहीं उन्होंने ग्रीन कलर का पैंट सूट पहना एंड अमेजिंग, शी लुक्स अमेजिंग. लाइक वो जो बॉस लेडी वाइब्स दे रही हैं इस लुक में, एंड द ड्रेस इफ़ यू टॉक अबाउट इज द ग्रीन सैटिन पैंट सूट लुक. And we can see a belt on her waist, जो इस पूरे look को एक definition दे रहा है. Because अगर वो belt नहीं होता तो शायद you know वो पूरा जो dress है वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता, odd लगता. तो उसको एक finishing देने के लिए उस belt का use किया गया है, the same color belt as the pantsuit. And of course she looks amazing. I mean, what am I supposed to say? ऐसा नहीं है कि उनका birthday है so मैं biased हो रही हूँ, but she looks fantastic. उनका hairstyle भी बहुत ज़्यादा match कर रहा है. Well, उन्होंने थोड़ा safe खेला, let me say, because straight long hair में तो you know it goes with every outfit. So yeah, she has played a little bit safe here. But for a promotional event, this look is like really 100% tick tick. So yeah, for this outfit, I'm gonna say I am loving it. So lastly, we're going to talk about Kajol. So Kajol तो हमारी favorite, all time favorite हैं ही, लेकिन उनका एक recent look सामने आया है. And जो buttons यहाँ पर हैं tummy area के पास, they're looking very weird, very old fashioned. ये पूरा look, मतलब ये buttons specially, it's creating that old fashioned look, which I'm not liking it at all. And yeah, I mean, the look is not that good. It's not up to the mark. The dress is not up to the mark, but the makeup is good. The hairstyle is also good. But then if your makeup is good, if your hairstyle is good, and if your dress is not good, then of course it won't look good, right? So yeah, for this look, Kajol, I'm sorry, I love you, but for this look, I say a big no-no. I am not loving it. Don't forget to like, share, and subscribe to Mayapuri Cut.